जिन बादशाह, जिन बादशाह अभी इनका नाम आया है। हाँ। हाल फिलहाल में नाम आया, बहुत अच्छी डोर है, मैंने इस डोर में भी शिकायत नहीं पाई। ये बातें बहुत सारी हो गई सनी भाई, बातों का सिलसिला तो देखिए खत्म होने वाला नहीं है। ये तो एक समुद्र है, इसकी कहीं पे कोई था नहीं है ना नॉलेज की। कुछ नॉलेज मेरे पास है, कुछ आपके पास है, और कुछ हमारे जूनियर के पास भी मिल जाता, वो एक ऐसी बात बता देता सीनियरों को नहीं पता होती है। तो ये दोस्तों एक समुद्र है, इस पे आप जितना भी गोते लगाएंगे आप उतना ही ज्यादा स्किल्स पे काम, हाँ उतना ही ज्यादा आप तरोताजा होते जाएंगे। मैं बताता हूँ, तो अब ज्यादा डिटेल में नहीं जाते, मैं आपको दिखाता हूँ। देखिये मिर्जा जी के बारे में बताया, इसके सारे ब्रांड मिल जाएंगे। ये अयान का टॉप स्टार लगा, ट्रिपल नाइन है, और इसका टॉप स्टार भी मिल जाएगा, उधर लगा मेरे पास, और टॉप स्टार भी मिल जाएगा, ट्रिपल नाइन मिल जाएगा। ये शिकारी AMR लगा है, इनका नंबर वन देखिए यहाँ पे लगा, ये यहाँ पे नंबर वन लगा हुआ है, ये नंबर वन हो गया इनका, शिकारी नंबर हो गया, ये मैग्नेट हो गया इनका, राइट, इनका लच्छी वच्छी है, जो भी जितने भी ब्लॉक आते हैं सारे मिल जाएंगे, सारे मिल, ठीक है। और एक देखिए ये भी कारीगर बहुत अच्छी डोर बनाता है, जावेद बैग, जावेद बैग आप वाकिफ होंगे शायद इससे, बिल्कुल वाकिफ है ना, राइट। इस समय बहुत मेहनत कर रहा है और जिद्दोजहद कर रहा है अपने नाम के लिए, और कहीं ना कहीं अब हर जगह मिल भी रही है, मिल रही है, मिल रही है। तो इस देखिए इतनी बड़ी मंडी में से और इतने बड़े एक समुद्र से निकल के अगर कोई दो मछली बाहर आ रही है तो सोचिए कितनी बड़ी जिद्दोजहद उन्होंने करी। ये भी एक नाम ऐसा है कि लाखों बड़े मेकरों के बीच से निकल के आ रहा है, क्या बात, बहुत बढ़िया, लाखों नहीं तो हजारों तो कह ही सकते, हजारों मेकरों के बीच से निकल के आ रहा है जेन्युइन प्राइस पे, बहुत अच्छी डोर, जेन्युइन प्राइस मतलब आप इनकी डोर मुझसे ले सकते हैं 1900 रुपए के आसपास, एक नंबर की डोर, पूरी डोर की गारंटी होगी। और इनका एक ब्लॉक मेरे नाम से भी आता है 1 kg, देखिए मैं दिखाता हूँ यहाँ पे लगा हुआ शायद, ये देखिए बरेली विलेन के नाम से आता है, नाम भी बड़ा अच्छा रखा हुआ है, 1 kg, क्या अच्छा, प्रेजेंटेड बाय 1 kg बरेली विलेन, अरे वाह, ठीक है ना, इसका भी रैपर वगैरह बनने गया है, बहुत तो काफी मेकर के साथ आपका मतलब मैंने देखा है कि कहीं ना कहीं करा हुआ आपने कि देखिए इदरीस भाई के मेरे दो ब्लॉग मेरे इदरीस भाई बनाते हैं, और मिर्जा जी का भी मेरा ब्लॉग आने वाला है, मिर्जा जी मेरा अपना पर्सनल ब्लॉग बना रहे हैं, उस्ताद बनाने वाले हैं, बहुत मेरे लिए गर्व की बात है। और ये भी बनाते हैं, और इमरान खान जो है मेरा टेरी चैंपियन बनाता है, एक रॉयल चैलेंजर बनाते हैं, राइट, YKC भी मेरे दोस्त बनाते हैं। देखिए YKC का ये आता है शेरी हिंदुस्तान, ये मेरे नाम से आता है, एक ही देख लीजिए शेर हिंदुस्तान, ये YKC का है, देखिए यहाँ पे YKC का, राइट राइट राइट, ठीक है। तो YKC में रहता है कि AK4 में भी रहता है, ये आपको सब पे ही मिल जाएगा, अभी आगे इस पे काम होने जा रहा है। ये आपको शेर हिंदुस्तान 1-2-3 भी मिल जाएगा, 1-2-3 के बाद 9 cord 12 cord इस पे भी सब पे मिल जाएगा, आगे अवेलेबल मैं कर दूंगा। इनका एक बनता है मेरा, एक और आता है टेरिस जंगबाज, ओके, और वो ब्लॉक उधर लगा है, वो छत के लिए आता है, वो टेरिस जंगबाज मैं लगाता था पहले रॉकेट पे, और रॉकेट इस समय थोड़ा सा रॉकेट के भी भाव इतने ज्यादा बढ़ गए हैं, तो अभी रॉकेट पे लगाने से कोई फायदा है नहीं, क्योंकि उसी से थोड़ा बहुत अराउंड 100-200 ऊपर नीचे 1-2-3 मिल जाती है, okay. तो पहले एक लंबा डिस्टेंस था दोनों के बीच में, तो काफी प्राइस को लेके, तो अब मैंने रॉकेट पे लगवाना बंद कर दिया। अब उसमें भी टेरिस जंगबाज में भी YKC का जो टेरिस जंगबाज आता है उसमें भी आपको ये सब मिल जाएंगे, ओके, बहुत बढ़िया हो गया। तो लेकिन उसमें क्या है, वो टेरिस जंगबाज उसमें आपको 1-2-3 नहीं मिलेगा, उसका नाम ही टेरिस है, तो टेरिस पे ही जो वही 84 हो गया, प्रवास होगी, प्रवास वापिस आ चुकी है अब तो, जी जी वही सब मिलेगी, सब तो ये सब ऐसे कारीगर हैं जैसे मैंने बताया, और इनके भी ब्लॉग मेरे आते हैं, मेरे नाम से भी आते हैं, और भी बहुत सारे कारीगर हैं, तो काफी जगह पे आपने मतलब मल्टीपल वो कर रखे हैं, क्या बहुत अच्छी बात है, जी हाँ मतलब कोशिश यही है। और बहुत सारे मेकर ऐसे भी जो मेरे नाम से बनाते हैं, मेरा अपना ब्लॉग मगर मैंने उस पर से 1 kg हटा रखा है, ओके, मेरा अपना ही दिया हुआ है, जैसे कि अभी मैंने आपको NRK का दिखाया, NRK के 4 या 5 ब्लॉग ऐसे हैं जो कि मेरे अपने हैं, उसकी डिजाइनिंग भी मैंने ही करी, सब कुछ अपना है, लेकिन उसमें से मैंने 1 kg हटा रखा है। होता क्या, बहुत सारे दुकानदार ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि दूसरे का इसमें एक ट्रेडमार्क हो गया, मैं क्यों बेचूं, तो इससे क्या होता है मेकर्स के ऊपर कोई प्रेशर आ जाता है, तो हम बिल्कुल फ्रेंड बिल्कुल मेकर से मैं भी ये बोलता हूँ कि बिल्कुल एकदम फ्रेश माइंड होके एकदम ओपनली काम करिए, आपको अच्छा लगे नाम डालो, नहीं डालो ना डालो, नाम का कोई हमें मतलब देखिए नाम की कोई इतनी भूख नहीं है कि ऑलरेडी बहुत नाम हो चुका है, सब जानते हैं। अभी हम रास्ते में ये डिस्कस कर रहे थे कि भैया वन ऑफ द मोस्ट डिमांडिंग काइट शॉप है, ऊपर से बैक टू बैक टूर्नामेंट करवा रहे हैं, हर जगह पे आप एक्टिवली काम करते हो, और जो आपने किया
कि हर एक को मतलब मेडल और वो देना, तो दैट समथिंग अमेजिंग, वो एक अलग था। और अपकमिंग जो आने वाला है कि बिना पतंग मांझे के आइए और इनिशिएट लिया जो सीनियर खेले, तो वो उसके लिए तो सैल्यूट है हमारी तरफ से। अभी क्या है, हमारी शॉप पे भी कभी कभी ऐसा होता है, मेरी शॉप पे बच्चे भी आते हैं, यहाँ पे जहाँ पे मैं रहता हूँ यहाँ पे हर तरह की फैमिली है, बहुत सारे लोग बच्चे, बच्चों को उतना घर से पॉकेट मनी नहीं मिलती है, मेरे पास बच्चे आते हैं, अंकल वो पतंग, तो जो भी मुझसे होता है मैं करता हूँ। कभी कभी मतलब 10-10 बच्चे भी एक साथ आते हैं, मैं 10-10 को देखने वाले हूँ, देखा होगा मैंने यहाँ पे 2-2 हज़ार पतंग का चट्टा लगा के रखा था एक स्टॉक, ये सिर्फ बच्चों के लिए, मतलब बच्चे आते थे अपनी मर्जी से 2 पतंग लेके जा रहे हैं, 4 पतंग लेके जा रहे हैं, 2 पतंग लेके जा रहे हैं, 5 पतंग लेके जा रहे हैं, तो बिना पैसे के एक मुहिम चलाई कि चलो भाई शौक को कहीं से आगे बढ़ाएं। बहुत बढ़िया, और जो भी मुझसे बनता है मैं करता रहता हूँ हमेशा। बहुत हल्के भाई, चले तो आगे चलते हैं। बाकी देखिए यहाँ पे एलजन का लगा हुआ है और भी काफी ब्लॉग है, और यहाँ का टॉप सा लगा हुआ है, यूनुस इकबाल लगा हुआ है। एक एक मेकर और दिखाना चाहूंगा आपको, बहुत अच्छी डोर बनाते हैं हमारे सलीम बनारसी, इनके कुछ ब्लॉग आते हैं मेरे पास, इनका एक आता है वो धोनी वाला जो आता है, तो एक तो उनका वो आता है इंडियन फाइटर हो गया, इंडियन फाइटर राइट, और एक इनका ही आता ब्लैक इंडियन अल्टीमेट डोर, अल्टीमेट डोर मैं खुद उड़ाता हूँ, मैं एक्चुअली उड़ाता, बहुत अच्छी डोर है, मैंने इस डोर में भी शिकायत नहीं पाई, और मैं उसी कारीगर को सैल्यूट करता हूँ जिसके 100 चरखे में 1 चरखा वापस, जैसे उसी में ये भी आते हैं, उसी कैटेगरी में ये भी शुमार करते हैं, इनकी भी डोर बहुत अच्छी है, कोई शिकायत डोर में नहीं, चाहे ब्लैक इंडियन ले लो चाहे इनका राफेल ले लो आप, इनका राफेल आता है राइट, बहुत अल्टीमेट, बहुत अच्छी डोर मैंने उड़ाई है, प्राइस 2500 रुपए इनकी मैंने डोर उड़ाई है, कोई मतलब मैं खुद बोलता हूँ कि केवल अगर आपने उड़ाई है डोर सनी भाई, तो ये बताइए मैंने 2500 रुपए बताए ये सही है या गलत है? नहीं, बहुत अल्टीमेट प्राइस बताए आपने, बहुत जेन्युइन प्राइस बताए हैं, और जो पैसे उसके हिसाब से क्वालिटी भी है इसकी, मतलब क्वालिटी को जस्टिफाई करता है, पैसों को जस्टिफाई करती है क्वालिटी, ये है इनका। और एक इनका ऊपर वाला जो ब्लॉक था वो अभी है नहीं शॉप पर, देखिए वीर चक्र लगा हुआ है हमारे जाकिर भाई का वीर चक्र, इनकी तो बचपन में डोर उड़ा के हम बड़े हुए हैं कि जाकिर खरगोश के नाम इनके इनके सारे ब्लॉग मेरे पास आपको मिल जाएंगे, इनका जाकिर का एक ऊपर टूर्नामेंट चैंपियन आता है वो भी मिल जाएगा, ब्लैक स्कॉर्पियो मिल जाएगा, वीर अभिनंदन मिल जाएगा, और भी कुछ ब्लॉग इनके आते हैं, शहनशाह आता है, वो सारे मिल जाते हैं मेरे पास। अब थोड़ा सा जाहिद अनवाइद के बारे में थोड़ा, ये भी मिल जाएगा, हाँ ये भी, ये बहुत जल्दी से नहीं मिलते। देखिए ये कुछ कारीगर ऐसे भी है कि जिनका स्टॉक थोड़ा सा कम आता है, कम का मतलब इनका उतना बड़ा काम नहीं है, ये कुछ मेकर ऐसे हैं जो अपने हाथ से जिद्दोजहद करते हैं, मिसाल के तौर पर 3 भाई हैं, अब तीनों भाई मिलके ही जो भी काम कर रहे हैं कर रहे हैं, उसमें जो भी स्टॉक है एक लिमिटेड स्टॉक बनता है, अब 3 चरखे डेली बन रहे हैं लेकिन चाहिए 300 लोगों को, तो फिर आप ये मान के चलिए 297 लोगों को तो नहीं मिलेगा, ये तो है नो डाउट, ये तो थोड़ा सा इसका रहता ही है। चलिए तो ये बहुत सी चीजें जो यहाँ पे मिली है, एलजन मिल रहे हैं हमारे, एलजन का मार्कोस भी मिल जाएगा, एलजन का जलजीरा भी मिल जाएगा, ये अलजान का मार्कोस है, और ये कुछ डोरे ऐसी थी कि मैंने, मेरे पास देखिए हर तरह की डोर मिलती है, कुछ डोरे ऐसी भी होती है कि जो जिसको मुझे काफी समय तक अपना पैसा होल्ड करना पड़ता है, होल्ड का मतलब वो मकसद ये है कि 6-6 महीने मैंने मेकर से खरीदा और 6 महीने के लिए फिर अपने गोडाउन में मांझा डलवा देता हूँ। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए बहुत सारे मेरे पास ऐसे कस्टमर होते हैं जिनको मांझा पला हुआ चाहिए, पुराना चाहिए, लोच चाहिए, पला हुआ चाहिए, ढला हुआ चाहिए, अब वो उनके अंदर तो इतना पेशेंस है नहीं खिलाड़ी के अंदर, उसको अगर आज उन्होंने परचेस किया तो कल उनको उड़ाना भी है, अब उनको रिजल्ट नहीं मिल रहा है तो ब्रांडिंग की वो प्रॉब्लम समझेंगे, मतलब कहीं ना कहीं दोष या तो मुझको देंगे या तो मेकर को देंगे, तो उनके लिए ये भी करना पड़ता है, और आप समझ सकते हैं छोटे से छोटे स्टॉक में लाखों रुपया फंस जाता है तो ये भी करना पड़ता है कस्टमर के लिए। और ये भी चीज मैं बता रहा हूँ कि अगर मेरे पास ये चीज आज 2000 रुपए की है, मैं 6 महीने इसको होल्ड करूंगा, उसमें 1 रुपया भी बढ़ेगा नहीं, 2000 रुपए का था 2000 रुपए का 6 महीने बाद मिलेगा, मैं पाल के भी 2000 रुपए का ही देता हूँ, बहुत सारे ऐसे भी हमारे भी शहर में ऐसे लोग हैं जो अगर वो 6 महीने पाल लें तो उनका 2000 रुपए से मांझा 6000 रुपए का हो जाता है, ये भी है नो डाउट। चलिए अब आगे चलते हैं, बाकी तो जो भी सपोर्ट बनता है ना वो सपोर्ट देते हैं। अभी देखिए यहाँ पे ब्लैक रजा है हमारे, ब्लैक राज रिफाकत भाई हो गए, ये रिफाकत उस्ताद का ब्लैक राज है और इनका ये सूर्य नाइन है, बहुत डिमांडिंग मांझा है, मतलब अगर मैं कहूँ मैंने फसाने में बहुत अच्छा मांझा देखा है, महारत हासिल करें, महारत इन मांझों को जो महारत हासिल है कि आपने एक बार अगर इसको फसा लिया तो जो आपका अपना कॉन्फिडेंस है वो इतना हाई रहेगा कि आपको लगेगा जब भी काटूंगा मैं ही काटूंगा, ये सब ऐसे मांझे हैं।
रिफाकत भाई हैं, बहुत ही अच्छा मांझा बनाते हैं। इदरीस भाई का देखिए 9 to 6, 9 to 5 दोनों ही मिल जाएगा। ये 9 to 6 है, राइट राइट, ये 9 to 6 है। शबाब खान भी यहाँ पे, शबाब खान भी मिल जाएंगे आपको। और ये भी बहुत मेहनती कारीगर, इस मेकर की भी तारीफ ये करना पड़ेगा कि इनके पास भी आप ये मान के चलिए ऑर्डर काफी रहते हैं, पर एक ही चरखा बनाते हैं। यानी कि मान लीजिए हफ्ते में ज्यादा से ज्यादा अगर कभी तबीयत खराब हो गई या कभी कोई रीजन, कभी तान उतार वाला नहीं आया, कारीगर नहीं आया, तो ये मान के चलिए कि कभी कभी तो हफ्ते में 3 या 4 ही चरखे बनते हैं। ज्यादा से ज्यादा अगर 6 दिन काम करेंगे, 7 दिन तो छुट्टी होती है वहां पे, अगर 6 दिन भी काम करेंगे तो भी 6 चरखे से ज्यादा सवाल नहीं पैदा होता, लेकिन 4 या 5 ही बनते हैं। हम उससे बेहतर आप जानते हैं, आप भी जाते रहते हैं बरेली। डेफिनेटली। उसके बाद देखिए हमारे फरमूद बैग रखे हुए हैं यहाँ पे, फिर जागीर का आसमान का तूफान आ गया, हमारे जुबेर बैग आ गया, आज के टाइम पे बहुत वो रहते हैं। और ये देख लीजिए यहाँ पे, ये हमारा आसमान का तूफान बताया था, ये उनका जाकिर खरगोश का, जाकिर खरगोश का राजस्थान चैंपियन है। यहाँ देख लीजिए राजस्थान चैंपियन, ये जो हमारे बड़े रिफाकत है, बड़े रिफाकत भाई का, ये बहुत अच्छी डोर है। राजस्थान चैंपियन, ये राजस्थान विनर भी हो चुकी है, और इनकी जैसे कि भी मैंने बताया राजस्थान में वीर चक्र भी लगातार 2 बार विनर हुआ, राजस्थान बीकानेर के अंदर, बीकानेर लगातार 2 बार विनर हुआ, और वहां पे इनकी डोरों के रिजल्ट अलग ही होते। और इधर देखिए यहाँ पे यूसुफ भाई का मिल जाएगा, खलीफा का 7 स्टार मिल जाएगा, खलीफा की भी पूरी रेंज मेरे पास मिल जाती है। खलीफा का एक ये देखिए रॉयल आता है, मैंने दिखाई नहीं था आपको, ये भी बहुत अच्छी डोर है, बहुत अच्छी डोर इनका। तो सारे ब्लॉक्स में देखें क्या, इनके 47 बहुत अच्छे ब्लॉक सब आता है। बात करते सदियां रखी हुई है बहुत सारी यहाँ पे, अभी मांझे बहुत सारे हैं, खत्म, बाय बाय टाटा। मांझे भी, सॉरी माय बैड, मैं पीछे भूल गया था घूमना। जैसे यहाँ पे 9 तार के बहुत रखे रखे हैं यहाँ पे, तो शाविद भाई आइए थोड़ा सा दिखाइए कौन कौन से यहाँ, जैसे कि मैंने आपको ये सब दिखाई दिया अभी। राइट राइट राइट, देखिए एनआरके भी बहुत सारे, देखिए शानू का भी लगा, शानू चांद आता है, शानू चांद में मेरे पास आपको इनका चांद मियां भी मिल जाएगा, इनके भी A to Z जो भी ब्लॉक आते हैं सारे मिल जाएंगे, चांद मियां भी मिल जाएगा। अच्छा इसको ये आपको 8400 पे मिल जाएगा मेरे पास, 1 to 3 पे मिल जाएगा। और एक मेकर और है बहुत अच्छा, जावेद देखता भाई देखिए, अरे ये देखो ये चरखा हिल गया, ये नुकसान हो गया, देखिए नुकसान हो गया, कोई बात नहीं चलता है सब। तो जैसे कि ये पप्पू का आता न्यू स्टार, मैं अभी बता रहा हूँ, अभी हाल ही में मेरे 1 महीना पहले यहाँ कानपुर में टूर्नामेंट हुआ था, छत से हुआ लड़ा था, लेकिन आजकल तो ये है कि छत से या मैदान से लोग सब अच्छी डोरे उड़ा रहे हैं, और वो ये नहीं देखते हैं कि ये डोर 3500 की है कि 4500 की, 4200 रुपए की, सबको अच्छा और सबको महंगा उड़ाना है। उसमें इसने, इस डोर ने बड़ी महंगी महंगी को डोरों को काटा और ये विनर हो गई थी, जबकि ये डोर सस्ती थी। आप मान लीजिए ये कारीगर विनर हुआ छत के टूर्नामेंट में, अद्धी का टूर्नामेंट लड़ रहा था, लेकिन सब उसमें उस्ताद लड़ा रहे थे, सब अच्छे खिलाड़ियों ने उसमें पार्टिसिपेट किया था, सब अच्छे खिलाड़ी, शहर के जो अच्छे खिलाड़ी थे उन्होंने पार्टिसिपेट किया था, सबने लड़ाया और ये डोर आपकी विनर हुई। ये दिखाइए यहाँ पे। अच्छा मैं एक चीज आपको बताऊंगा कि ये जो है ये अशरफ बेग है, ये अशरफ बेग का मतलब देखिए, जैसे कि मिर्जा की बात करें, मिर्जा जी का असली नाम है यासीन बेग। ओके, वो बड़े भाई है, ये छोटे भाई है, दोनों का आप चेहरा देख ले सेम ही होगा। Okay. कभी आप लोग ने गौर नहीं किया होगा। नहीं मैंने कभी ध्यान दिया नहीं, सही बताऊं तो मैं बताता हूँ। अब ये कारीगर जो है, जैसे ये है जावेद बेग, है जावेद बेग भी इन्हीं का बेटा है। ओके okay. इन्हीं का बेटा, ये पप्पू बड़ा बेटा है और जावेद बेग इनके छोटे बेटे। ये अशरफ बेग है, इनका नाम भी कभी अपने टाइम पे बहुत बड़ा, अभी इनका इंतकाल हो गया है, ये दुनिया में नहीं है, तो इन्हीं के बेटे ये हमारे उस्ताद मिर्जा जी के छोटे भाई, छोटे भाई अशरफ बेग नाम से इनका मांझा आता, तो बहुत फेमस मेकर है ये भी। और मैं अब ये कह सकता हूँ कि ये जो मेकर हैं, ये इनका पुश्तैनी काम है, खानदानी काम कह सकते हैं। तो कहीं ना कहीं वो कहते ना कि खून में मिली हुई चीजें हैं ये, तो मतलब आती है। मैं इनके एक भाई का मांझा आपको और दिखाऊंगा, ये मेरे पास आता है कानपुर में, क्योंकि ये एक ऐसा मेकर है, हफ्ते में शायद 2 ही 3 चरखे बनते हैं और कोई मांझे में शिकायत नहीं है। इनके 2 ब्लॉक आते हैं मेरे पास, एक आता है ये आसमान का आसमानी उड़ान देखिए नाम मैं दिखाऊंगा यहाँ पे थोड़ा सा, एक आता ऊंची उड़ान, मैं दोनों दिखा रहा हूँ, मैं दोनों दिखाता हूँ, एक आसमानी उड़ान है और एक आता ऊंची उड़ान। मांझा देखिएगा आप, बड़ी से बड़ी ब्रांड है जो मांझा आपको दे रहे हैं, कलर 3500 रुपए का वो मांझा आपको मिल रहा है यहाँ पे, तकरीबन 2300 रुपए का, कलर बहुत प्यारा लगा रखा है। नो डाउट देखिए मैं फिर दिखाता हूँ, आसमान उड़ान शहजान बैग है,
इनके बेटे का नाम है, जैसे कि आपने देखा आयान टेन स्टार आता है, इरशाद भाई नाम है उनका, पर बेटे का नाम उनका, बेटे के नाम से आजकल सब बोलते हैं उनको, सब जाके अयान ही बोल रहे होते हैं। तो ये देखिए डोर कैसी आप बताइए, और बढ़िया लगी, काम है डोर पे बिल्कुल एकदम, आपको लगेगा क्योंकि डोर पे प्लास्टर करा है बिल्कुल, कहीं पे ऊंच नीच कुछ नहीं है, अल्टीमेट डोर में से एक डोर है ये, और अल्टीमेट। ये किस प्राइस में रहने वाली है? ये डोर आपको मिलेगी 2300 रुपए के आसपास। प्राइस तो मतलब प्राइस के हिसाब से तो मैं सही बोल रहा हूँ कि अच्छी अच्छी महंगी डोर को टकरे दे ये वाली डोर। इसका देखिए कलर यहाँ पे ये भी लगा हुआ है, ये भी कलर इसी का लगा हुआ है, ये देखिए मैं खुद दिखाता हूँ यहाँ पे। चरखी भी देखिए ठीक ठाक लगी, ये भी नहीं कि चरखी कोई ऐसी नॉर्मल चरखी लगी हुई है, अच्छी चरखी लगी, और कलर देख लीजिए यहाँ पे क्या बात है। और एक इनका मांझा और आता है, वो आपको 1900 रुपए का अराउंड मिल जाएगा। ये आसमानी उड़ान है, एक इनका आता है ऊंची उड़ान, मैं आपको देखिए वो भी दिखाने की कोशिश करूंगा। और ऐसा मांझा होगा कि मतलब उसको चेस करना थोड़ा मुश्किल रहता है उस प्राइस रेंज में। और यहाँ देखिए कलेक्शन ही कलेक्शन है मांझों का, इतना मांझा होता है कि हम खुद भूल जाते हैं कौन चढ़ के कहाँ पे लगे हुए। देखिए देख सकते हैं 8400 के भी काफी लगे हुए, छोटे छह के चढ़ के काफी लगे हुए, क्योंकि ऑनलाइन काम है तो ऑनलाइन में सब डिमांड आती है। मैंने आपको बताया नहीं कि अभी आप जो देख रहे हो ये सिर्फ 30% 35% ही स्टॉक है। आप समझ लीजिए कि 65% जो स्टॉक है वो मैं सेल कर चुका हूँ, और अभी पीछे से मांझा आया नहीं क्योंकि अभी पीछे से जो सीजन निकला है उस सीजन के बाद से अभी हम लोग थके हैं और मेकर भी थके हुए हैं। अभी जो मेकर है उनके पास पेंडिंग ऑर्डर बहुत सारे लगे हुए ना, वो पिछला अपना जो है सब क्लियर कर रहे हैं, हम लोग का ये चलता रहता है। चलिए देखिए यहाँ पे पैकिंग के बॉक्स रखे हुए हैं, यहाँ पे कुछ पैक भी जाने होंगे बिल्कुल, और यहाँ चरखे सब इनके पास सब मिलता है, 9000 28000 सब मिलेगा, खुद अपने पर्सनल ब्लॉक से बनाते हैं ये। देखिए ये इनका आता है ऊंची उड़ान, अब मिसाल के तौर पर देखिए ये ऊंची उड़ान है, इसमें भी ट्रांसपेरेंट चरखी लगी हुई है। अरे और 1900 रुपए में जो मांझा है वो आप देखेंगे बहुत बढ़िया, परवेद बिलाल मजा आ गया देख के ना, मतलब सही में मतलब रेंज में मैंने देखा आपके पास एक से एक चीज है। ये मांझा और ये मांझा दोनों एक ही मेकर का है, और दोनों ही मांझे अल्टीमेट है। 1900 रुपए में जो ये मांझा मिल रहा है आपको ठीक ठाक चरखी भी मिल रही है, ट्रांसपेरेंट चरखी भी, आप समझ सकते हैं कि इसमें भी अच्छी खासी लागत लगी होगी, एक नॉर्मल मांझा नहीं है। और अगर ये मांझा मैं आपको खोल के दिखाऊं तो आपको बिल्कुल यकीन ही नहीं होगा कि इस रेट में ये मांझा मिल सकता है। राइट भैया देख लो, मैंने मिला हूँ इनसे भी मिला हूँ मैं, और चीज जो बताया ना मतलब 1800-1900 में भैया के पास ना मैंने देखा अल्टीमेट, और वही भैया बोल रहे की ऐसा नहीं है की महंगा काटेगा, ये काटेगा और हर तरीके से काट, किसी भी ब्रांड से इसको लड़ाइए। 1900 रुपए का मांझा आइए, आप 3500 का मांझा उड़ा रहा है, आपका ओपोनेंट उड़ा रहा है, आप मतलब ठीक ठाक फेस कर लेते हो, आप कॉन्फिडेंस आपके अंदर है, आप बिल्कुल, अब आपको देखिए पतंग उड़ाना ही नहीं आता, लड़ाना नहीं आता, उसमें मेरा दोष नहीं, उसमें मांझा मेकर का दोष नहीं, और उसकी कोई गारंटी भी नहीं, उसकी कोई गारंटी भी नहीं है। मैं इतना खाली कह सकता हूँ, अगर आपका ओपोनेंट आपको काट रहा है उसकी डोर आप ले लेना, ये चरखा उसको दे देना, वो इससे भी आपको काटेगा। चलिए बहुत बढ़िया बात, आगे चलते हैं, चलिए दिखाते हैं आपको। ये देखिए ये हमारे जिन बादशाह अभी इनका नाम आया है, हाल फिलहाल भी नाम आया है, ऑल इंडिया इन्होंने उठाया है। ये शेर की दहाड़ सबसे टॉप ऊपर ब्लॉक है, एक इनका ये आता आग का गोला ये बीच वाला ब्लॉक है। तो क्या प्राइस रहेगा तीनों का? अगर एक ब्लॉक और है, एक ब्लॉक और है, अभी इनके चार ब्लॉक आते हैं, चारों मिल जाएंगे आपको। अच्छा एक ये देखिए, अभी हमारे कानपुर में टूर्नामेंट हुआ है, इससे मेरे टूर्नामेंट से पहले एक हफ्ता, मेरे कानपुर में टूर्नामेंट की बौछार आई हुई, 2 महीने के अंदर 5 टूर्नामेंट हो गए सुनने में आया था हमने, दो महीने के अंदर यहाँ पे 5वां टूर्नामेंट मैंने कम्प्लीट करवाया है। क्या बात है, और टूर्नामेंट जो हमारे कानपुर में हो रहे हैं वो ऑल इंडिया लेवल के होते हैं, लोकल, यानी कि अब मैं बात करूं कि अगर प्राइज मनी की तो कानपुर में जो टूर्नामेंट हो रहे हैं उसमें लोकल में प्राइज मनी बांटी जा रही है विनर को, जैसे मान लो 60,000-70,000 रुपए। क्या चाहिए और, मतलब मोटिवेशन ही मिलता है उड़ाने वाले को अगर देखा जाए तो। अभी मैंने ही कल करवाया टूर्नामेंट, उसमें भी बहुत अच्छी प्राइज मनी दी है, इसको देखा जब 200 तो मेडल थे खाली उसके अंदर, ट्रॉफी थी उसके अंदर, 100 मेडल्स हैं, 100 मेडल्स थे उसमें और करीब 150 ट्रॉफियां हैं। क्या मैं कह रहा हूँ वही उसी से लग जाता है कि भैया, लेकिन मैं बताता हूँ एक ट्रॉफी उसमें 32-32 के दो सेट थे, कितने हो गए 64 और 64 20 84 और करीब, हाँ नहीं 100 कुछ ट्रॉफी थी, 100 कुछ ट्रॉफी 100 मेडल, मतलब ये मान के सबको मिला के तकरीबन 200 प्लस हो गए, 200 प्लस। बढ़िया, ये भी बहुत अच्छा मेकर है इमरान लल्ला, ये भी मिल जाएगा आपको। राइट,
इमरान अल्लाह, इससे भी अभी टूर्नामेंट हाल में ही जीता गया, इनके भी बहुत सारे चरखे मेरे पास लगे हुए, बाकी सभी मिल जाएंगे। और जुबेर बेग सभी लगे हैं, क्या क्या सारे हैं यहाँ पे, जुबेर बेग काफी हैं। अब यहाँ पे 9 कोट सी 28 भी हैं, ये भी सब अपने पर्सनल ब्लॉग से साथ जो रखे हैं। मैं ये भी दिखा देता हूँ आपको, 9 कोट पे जैसे आपको टेरी चैंपियन देखना था, टेरी चैंपियन आपको 9 कोट पे मिल जाएगा। ये देख लीजिए भैया, ये रहता है एक जी का टेरिस चैंपियन, अमेजिंग काइट गैलरी नंबर भैया का यहाँ पे देखिए मिलेगा आपको। और इस पे 9, और 9 कोट सी 28 में क्या रेंज स्टार्ट हो जाती है अपने पास? मेरे पास क्या है, मैंने अभी क्या सब कॉमन कर रखा है, ये किसी में थोड़ा नरम, किसी में गरम, किसी में थोड़ा कम, किसी में ज्यादा, जो भी होगा मैनेज कर लेंगे। आपको ये 9 कोट कोई भी लेंगे आप, ज्यादातर सब 750 के, 750 रुपए के तीन रील हैं, कोई भी लीजिए, बहुत सारी ब्रांडे मिल जाएंगी आपको। और इसमें एनआरके भी है, ये भी है मेरे पास सुपर गोल्ड, जैसे कि मैंने आपको दिखाया बहुत डिमांडिंग ब्लॉक मेरा, ये भी आपको मिल जाएगा, सुपर गोल्ड मिल जाएगा। तो ये भी 750 में आपको, 750 नो कोट 9 कोट, क्या बात है। और इसमें भी आपको और भी ब्लॉक मिल जाएंगे मेरे पास, जैसे कि अभी आपने टेरी चैंपियन देखा, और एक देखिए आपको मिल जाएगा ये सॉर्ड ऑफ सुल्तान, अरे वाह, सॉर्ड ऑफ सुल्तान मिल जाएगा 9 कोट में मिल जाएगा। तो काफी 9 कोट में वैरायटीज मिल जाएंगी। और भैया ने बताया प्राइस, आप देख 9 कोट 8400, और ये देखिए विलन, बरेली विलन 9 कोट के ऊपर, क्या बात है। ये सब असल में ये मांझा भी मेरे पास बन के आया, ये सारा गुजरात मुझे भेजना है। ओके हाँ, ये मेरे ये सारा ऑर्डर का मांझा है। आपने प्राइस खोल दिए, 750 क्या आपको मिलेगी? 750 रुपए का, 750 रुपए का है। और ये देखिए ईएमडी बता रहे थे हमारे शोएब, जो हमारे रफन उस्ताद के बेटे हैं, रफन उस्ताद के बेटे हैं, इनके एक आता है यूएसआर आता है और एक आता है एएमडी, दोनों ही मिल जाएंगे और दोनों ब्लैक मिलेंगे और बहुत ही अच्छे मेकर हैं। और ये कह सकते हैं कि ये जो मांझा ईजाद हुआ है मांझे की दुनिया में, इनके ही परिवार की, इनके पूर्वजों की देन है, मांझा इनके घर से ही ईजाद हुआ है। बिल्कुल, तभी इनको उस्तादों के उस्ताद बोला जाता है। ये जो हमारे पीढ़ी आई थिंक काम कर रही है, इनकी तीसरी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी मदा है, ये तीसरी पीढ़ी काम कर रही है इनकी, बहुत अच्छा मांझा मेकर है और पैसे की लालच इनके अंदर बिल्कुल नहीं है। खुद अपने हाथ से काम बनाते, चाहे तो काफी अड्डे लगा सकते हैं, क्योंकि जब डिमांड मांझे की है एडवांस भी मिल रहा है, सब कुछ मिल, लेकिन नाम के लिए है, नाम जिंदा है, ये इनका बोलना ये कि मैं नाम अपना नहीं खराब करता। बहुत अल्टीमेट, बहुत प्यारी बात बोली आपने। बहुत सी डोरे मेरे पास ऐसी, जैसे कि मैंने आप कुछ बताया ना कि मैं डोरे पालता हूँ, देखिए अरे इसको भी मैंने अभी जो आपके साथ बंदा है इसको भी देखो मैंने ये डोर दी है, रेड अलर्ट, रेड अलर्ट एंड 929 दो आते हैं, दोनों से अजीम भाई की डोर है, अजीम भाई की सेम ही है। और इस डोर को महारत हासिल है, चाहे आप फंसा के लड़ाओ और चाहे आप खींच के लड़ाओ। और इसका इसका सबसे बड़ा उदाहरण सामने, ये हमारे साथ आए हैं आशीष भाई, तो भैया कैसे इनको मैंने ये डोर दी थी अपने सजेशन पे, ये डोर ऐसी है भाई, इसको मैं जब ले गया, जब मैंने लड़कों को दिखाया अपने साथ वालों को, उन्होंने कहा डोर में कुछ है ही नहीं, कुछ है ही नहीं, आपको लगे कुछ नहीं तागा, तो साबिश भाई ने कहा था तुम बस पतंग उड़ा के जाना, कल लोगों कहने पे मन जाना। तो मैंने जैसे ही पतंग उड़ाई और भाई जैसे ही पेच फंसा, दो चक्कर भी उसकी पतंग नहीं खा पाई और पहले चक्कर में पतंग कट के चली गई उसकी। और ये बात आती ही बोलती भैया आपकी डोर बहुत बढ़िया लग रही है। और जैसे ही मैंने फोन मिलाया, यानी साबिश भाई ने कह के भेजा था कि डोर मेरे कहने पे ले जाओ, ये नहीं कि ये चाहे तो मुझे महंगा चरखा भी दे दे, लेकिन नहीं, ये कहते तुम कैसा लड़ाओगे, ये अपने हिसाब से मुझे चरखा देते हैं, जानते कानपुर में कैसा क्या वेदर है, लड़ाई ज्यादा उम्र में भी मुझसे बड़े हैं, सब तरीके जानते हैं, ये जानते कौन कैसा पेंच करता है, उसके हिसाब से ही जोड़ देते हैं। देखिए मैंने सिकंदर दिखाया था, ये देखिए सिकंदर उस्ताद का ये चरखा, देखिए वजन देखिए हाथ में, नहीं इनकी डोर तो बहुत अल्टीमेट में उड़ा चुका हूँ, ईमानदार कारीगर है, पूरी डोर है। और प्राइस जैसे कि मैंने आपको बताया 2000 रुपए बीकानेर का चरखा लगा, बीकानेर का चरखा भी महंगा ही आता है, ये तो है नो डाउट। और टूटता नहीं, अच्छी बात है, टूटता नहीं, टूटने का मतलब ये है अभी मेरा जो भी वेट है, अभी मैं खड़ा हो जाऊंगा इस पे तो ये पूरा मेरा वेट उठा लेगा, कोई दिक्कत नहीं, बहुत मजबूत चरखा होता है। कोरियर में बहुत लोग मांगते हैं कि हमें इसे भेजो ताकि कोरियर अच्छे से आ जाए। बहुत सारे ब्लॉग है, अभी मैंने बहुत सारे ब्लॉग आपको नहीं दिखाया, देखिए इमरान खान का आता वंडर किंग, वंडर किंग मैं कह रहा हूँ कि मतलब मैं अभी ये चरखे मैंने ऊपर से निकाले, अभी मेरा यहाँ का नीचे का स्टॉक पूरा खत्म हो गया था, तो ऊपर से कुछ स्टॉक मैंने ऊपर डाल रखा था, तो वहां से सारे चरखे निकाले, आपको देख रहा होगा इस पे देखिए गर्दा वगैरह लगी, इससे समझ में आ रहा होगा ना कि पुराना मांझे, तो पुराने मांझे मुझे थोड़े से संजोने पड़ते हैं अपने तमाम कस्टमरों के लिए, ऐसे जो जैसे कि अभी आशीष ने बताया इसको फंसाने के लिए डोर चाहिए थी, अगर मैंने उसको पाल के ना रखा होता तो मैं इसको डोर नहीं दे पाता, और ना दिया होता तो यहाँ पे खड़े होकर आज तारीफ नहीं कर रहा होता। ये बात भी बहुत बढ़िया बात बोली आशीष ने, और सबसे बड़ी बात ये कि जब मैंने इनको डोर दिया वो एक साल पली डोर थी, और एक साल पहले जो उसका रेट था
वो रेट मैंने कोट किया था, उसके बाद भी इनको शायद 100 रुपए का डिस्काउंट मैंने दिया था। दुकान का डिस्काउंट जरूर मिलता है। क्या बात है, देख रहे हो। देखिए वीडियो के शुरुआत में मैंने बताया था आपको कि मैं डिस्काउंट कभी कभी यहाँ पे कभी कभी क्या दे देता हूँ, और 90% तो दे ही देता हूँ, क्योंकि कोई भी कस्टमर उतना पैसा देता नहीं है। अगर 1500 भी चरखे को बताओ तो आखिरी में कोई कहता भैया कुछ हो सकता है इसमें, तो ये कुछ की आदत हमारे कानपुर में चल रही है, यहाँ का एक ये रीति रिवाज है, तो इसको हम लोग फॉलो कर रहे हैं। नहीं बहुत बढ़िया, यही है, आगे चलते हैं। देखिए ये अभी मैंने आपको देखा जाकिर भाई का, ये देखिए चरखा इनका, मैं खुद उड़ाता हूँ, बहुत बढ़िया चरखा, ये मेरा रैपर है, ये उड़ा हुआ, आप देख रहे हैं इसका क्या एकदम रद्दी हो गया। ये मेरा कोई चरखा खुला हो, मैं खुद उड़ाता हूँ, बहुत अच्छे रिजल्ट है, एकदम अल्टीमेट डोर है। मेरे ख्याल से अगर यहाँ पे मान लो कम से 50-60 ब्रांड तो मेकर के हमेशा रहते होंगे। मेरे पास करीब करीब 80 ब्रांड है। 80 ब्रांड, अरे भाई 80 ब्रांड, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि जब लोग मैं कभी कभी मैं व्हाट्सएप पे डालता हूँ ना, तो करीब करीब 80-80 फोटो हो जाती है, एक एक कारीगर का एक एक ब्लॉग डालता हूँ, तो अभी 80-90 वो हो जाती है पिक जो मैं सेंड करता हूँ। तो मतलब व्हाट्सएप ग्रुप पे मेरे दोस्त लोग बोलते हैं कि अरे भैया क्या बात है, आज क्या परेशान हो गए, किसको परेशान कर रहे हो, क्या हो गया भैया, कल चलते चले आ रहे सारे एक साथ। बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पे वो दिख रहा है मुझे, वो वीडियो में समझ में आ जाएगा आपको कि बहुत ये 8400 के ऊपर है। ये जब मेरा जाता है ये 3 किलो में आता। अच्छा जी, ये जब जाता है मैं इसको कभी कभी 3 किलो के ऊपर हो जाता है जब इसको मैं पैक करके भेजता हूँ। अभी इसको तौलेंगे तो 2-2.5 किलो के आसपास अभी है ये, और देखिए पूरी लेंथ होगी 12 रील। देखिए बना भी कब का हुआ है, 7/7/2022 का, अगस्त का बना हुआ चरखा है, तो काफी टाइम तक रखना भी पड़ता डोर। 8400 में की बात करें तो 8400 पे 007 बॉन्ड एनआरके, ये भी मेरा अपना पर्सनल ब्लॉग है, ये भी नाम मैंने ही चूज किया था एनआरके का, टी टेरेस की, बहुत बढ़िया। चलिए और इनका ये एक आता 24,000 वॉट, वो भी 24,000 वॉट, ये भी मेरा अपना ही है, एनआरके, बहुत बढ़िया, मजा आ गया। ये ऐसे मान जी, इस पे मैंने AKG कहीं पे लिखवाया नहीं है, मान जी सारे अच्छे हैं, NRK बहुत अच्छे काम करे, बहुत बड़ी ब्रांड है, जयपुर में भी देखा बहुत डिमांड है, बहुत बड़ी ब्रांड है NRK, और इतने टाइम से इस मंडी में टिके रहना, कभी नाम इनका ओझल नहीं हुआ, ये तो NRK का नाम कभी ओझल नहीं हुआ। ये बात ओझल से मतलब ये कि इनकी तीसरी पीढ़ी अगर ये काम कर रही है तो 3 पीढ़ियों में इनका लगातार नाम बना रहा है इस मार्केट में। बिल्कुल बिल्कुल, और आज भी बना हुआ है, आज भी मांझे काफी डिमांडिंग है, और आप देख सकते हैं अभी अगर आप एक महीने पहले आए होते तो मेरे पास एनआरके कम से कम 200 चरखे थे। अरे वाह, एक महीने पहले 200 चरखे थे, आज शायद 3 या 4 होंगे, और मेरा उनके पास ऑर्डर लगा फिर से। चलिए अब आगे, और मैं मंगाता हूँ, मैं उनसे 200-300 चरखे मंगाता हूँ, और अगर किसी कारीगर का मैं 200-300 चरखे मंगा रहा हूँ तो देखिए मेरे पास यहाँ पे ना तो कोई ऐसी खदान है ना तो कोई ऐसी गुफा है जिसको मैं वहां पे उसको छुपा दूंगा, बिकता है तो मैं मंगाता हूँ, मैं इतना पैसा फालतू में किसी के ऊपर इन्वेस्ट नहीं कर सकता हूँ। बहुत बढ़िया, मांझे की डिमांड है इसलिए मांझा आता है तो बिकता है। बहुत बढ़िया बात बोली, ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। यहाँ पे 8400 में मैं दिखाऊंगा आपको, 8400 में देखिए इंडियन लॉयन जो मैंने अभी आपको दिखाया था, जिसका भी दिखाया था बारिल के अंदर, ये 8400 के मैं आपको एक कोटेशन दे रहा हूँ, 8400 जितने भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ सब ये मान के चलिए कि 1250 से 1300 के अराउंड होंगे, अराउंड, ठीक है, बढ़िया, 1250 से 1300 के अराउंड जितने भी मांझे हैं 8400 में आएंगे। मैं एक बार फिर से स्टार्ट कर लूंगा, इसमें सारे ब्लॉक आ जाएंगे, 8400 में 6 रील ही मैं आपको दिखाऊंगा, मिर्जा जी को छोड़ के, एक मिर्जा जी का 1600 रुपए का रहेगा, राइट, और जो बरेली हमारा सम्राट है, सम्राट 1650 का है, मिर्जा जी 1600 रुपए का, बाकी मैं जितने भी दिखा रहा हूँ सारे के सारे 8400 C28 या 9 कोड जितने हैं सब 1250-1300, ठीक है। तो ये जैसे कि मैंने आपको अभी शुरुआत लिखा था काला सोना और सिराजुद्दीन का, ये सब जितने सिराजुद्दीन जितने ब्लॉग है ये सब 1250 से 1300 रुपए के अराउंड आपको मिल जाएंगे, ठीक है। ये इंडियन लॉयन है अरशद भाई का, पावर स्टार वन वाला, पावर वन स्टार, राइट, जिनका भी हमने 1-2-3 भी देखा था, इसमें पावर स्टार वन का यहाँ पे एक लोगो भी होता है, ये रैपर अंदर मुड़ा हुआ है, वरना मैं दिखाता यहाँ पे वो पावर स्टार वन का भी अपना रैपर लगाते, वो चरखा लगाते हैं, फोटो लगाते हैं, तो ये आपको इसी रेट में मिल जाएगा। देखिए चांद मियां बहुत ही अच्छी डोर है, अल्टीमेट डोर है, डोर दिखाएंगे वक्त बहुत ज्यादा चला जाएगा, डोर बहुत अच्छी है, मैंने देखी हुई 84 AB 8400, क्या बात है,
सब आपको एक ही रेट पे मिल रही है। ये देखिए जावेद बेग जो मैंने आपको अभी पहले दिखाया था, और जावेद बेग का एक ब्लॉक और आता है, मैंने जिसको भी दिया मांझा बहुत अच्छा लगता है। देखिए जावेद बेग का ये खूखार के नाम से आता है, खूखार ब्लॉक के नाम से, ये सब 8400 है। अभी और भी बहुत सारी ब्रांड है, खलीफा उसका आता है, फंसा हुआ निकल ले रहा, इनके भी कुछ ब्लॉग आते हैं, एनएएस आता है, एनएएस आता है इनका, पहले प्रवास भी आता है एनएएस, हां वो एनएएस आता है, और एक ब्रांड इनका और आता है, ये एमएआर, एमएआर देखिए भी आता है। ये सब फंसे हुए हैं तो कोई इशू नहीं है, यहाँ पे हम चलते हैं आगे। लेकिन 9 crore पे भी देखिए आपको मिल रहा जावेद, जावेद बैग मिल जाएगा जो आपने, और माझा, माझा मैं आपको शायद दिखा दूं 9 crore पे, आपने चढ़े में तो चढ़ी डोर देखी होगी, लेकिन चढ़े में बल कभी खुला देखा है? आज देख लेते हैं, मैं दिखाता हूँ, देखिए चढ़े में बल देखिए, थोड़ा सा आगे चलते हैं, देखिए यहाँ पे बहुत बढ़िया। तो ये 9 crore रहने वाला 6 reel के अंदर आएगा, ये 6 reel है। तो ये मेरे ख्याल से जो पसंद करते हैं, हाथ पकड़िए वायर, मैं कहता हूँ जो वायर का सबसे बड़ा, ये देखिए वायर, ये देख लीजिए यहाँ पे मांझा वायर हो रहा है, देखिए मांझा, देखिए स्प्रिंग के साथ झूल रहा है, देखिए अल्टीमेट नो डाउट। और ये जो क्वालिटी लग रही है ना, अब हाथ पे पकड़ी है दोरा, बताइए, मैं वही कह रहा हूँ, अगर ये थोड़ा सा जिस तरीके से काम किया ना, उस तरीके से अगर जो 9 crore में थोड़ा सा लंबा छाता है ना फंसाने वाला, तो वो भी इसको उड़ा सकते हैं, ये फंस के भी लड़ेगा खींच के भी लड़ेगा, वही कह रहा हूँ, बहुत स्ट्रेंथ है, खींच के लड़ेगा लड़ेगा, लेकिन जो थोड़ा सा फंसाने का आता है कि थोड़ा मोटा मांझा, तो उसमें भी काम किया होगा कि आप इसको आराम से। 9 crore हमारा जो बनता है सनी भाई, वो इस हिसाब से बनवाते हैं कि 9 crore में मैं बारीक ज्यादा इसलिए करवा देता हूँ कि देखिए कितना ही बारीक करवाएंगे, जो उसकी स्ट्रेंथ है वो तो वही रहेगी ना, स्ट्रेंथ थोड़ी ना कम हो जाएगी, लेकिन बहुत ज्यादा मोटी डोर हो जाती है तो छोटी पतंग में या कम हवा में झूलने लगती है, राइट राइट। तो इसमें क्या होगा, इसमें पतंग नहीं झूलेगी आपकी, स्ट्रेंथ अच्छी है तो आप बड़ी पतंग भी उड़ा सकते हैं, ज्यादा हवा में भी उड़ा सकते हैं, नो डाउट, और महीन है तो वो अपने आप को काम एडजस्ट कर लेगी, राइट राइट राइट। तो मेरा ये डर रहता है, बाकी लोग अपने अपने हिसाब से सब तैयार करवाते हैं। अभी जैसे कि मैंने शुरू से बताया कि मेरे पास मांझा आउट ऑफ स्टॉक है, देखिए सम्राट लगा बहुत ही यूनिक कलर पे, ये नौता रही है, नौता रही है, ठीक है। सद्दी भी मिल जाएगी आपको इलाहाबाद कानपुर, मैं वही देखा था यहाँ पे, हाँ। सद्दी देख ली यहाँ पे, सब लगा रखा है, मैं स्टार्टिंग भी दिखाई थी, तो सब मेकर इलाहाबाद लखनऊ कानपुर सब जगह मिल जाएगी जी, अपना मुरादाबाद सद्दी आपको कहीं की भी चाहिए, सद्दी आपको इलाहाबाद के सारे कारीगर A to Z, कानपुर में सिर्फ मेरे पास आपको बिंदी मामा मिलेगी, अदरवाइज कहीं नहीं मिलेगी, कहीं नहीं मिलेगी, राइट। जो बिंदी मामा की सद्दी है वो सिर्फ कानपुर में मेरे पास आती है, और इसके अलावा कहीं नहीं मिलेगी, और बाकी आपको बनने की चाहिए हो, शन्ने की चाहिए हो, गुड्डू करबला की चाहिए हो, सलमान की चाहिए हो, और भी अदर कुछ कारीगर हैं काफी वहाँ पे, वो उनकी भी मेरे पास सद्दी सबको मिल जाएगी, आपके सामने लगी हुई है, लगी हुई है, कलर लगे हुए हैं, और वो क्या रहेगा, कानपुर की सद्दी भी रहेगी अपने पास, मैं आपको कानपुर की सद्दी दिखाऊंगा, आप बताओगे इलाहाबाद की है, फीलिंग आपको कानपुर में इलाहाबाद की ही आएगी, अभी आपको मैं एक चीज प्रूफ करने जा रहा हूँ कि मैं खुद भी उड़ाता हूँ, अभी कल मैंने पतंग उड़ाई है, लाके कहाँ रख दी, देखिए इधर साइड लगी होगी यहाँ से मेरी चरखी, ये लगी, देखिए सेम क्वालिटी, सेम कारीगर और सेम चीज, मैं खुद उड़ा रहा हूँ, देखिए ये देखिए मेरा नाम, राइट राइट, देख लीजिए भैया का चरखा है, ये खुद का पर्सनल, और चरखा बड़ा प्यारा लगा रखा है यहाँ पे, ये मेरे नाम का चरखा है। अब मैं आपको चीज दिखा रहा हूँ, ये जो चरखी है वो ही सद्दी सेम, बस कलर अलग है, मैं खुद भी उड़ाता हूँ कानपुर की, इतनी अच्छी सद्दी कानपुर में, देखिए सद्दी बनती है, थोड़ा सा टेम्पर यहाँ पे हम लोग थोड़ा कम रखवाते हैं, यहाँ पे ग्रिप ज्यादा अच्छी लोग मांगते हैं, और ये भी ताजी है, जरा बताइए सर्दी में क्या कमी है, कोई कमी नहीं है अगर देखा जाए, मैं खुद उड़ाता हूँ, झटके भी अच्छे पड़ते हैं सर्दी में, कहता हूँ, और ग्रिप भी अच्छी है, सब कुछ जो चाहिए सर्दी के अंदर सब कुछ है, सब कुछ है, सब कुछ है। इसके जो प्राइस है वो ये मान के चलिए, अगर आप शॉप पे आएंगे तो बात की बात है, वैसे 1100 रुपए, बाकी बहुत प्यारी चीज बनी हुई है देखा जाए तो, यार नो डाउट कलर तो प्यारा है, लेकिन काम बहुत सारे कलर है इसमें, स्मूथ भी मिल जाएगी आपको, हल्का फुल्का मतलब हल्का नहीं अच्छा खासा टेम्पर वो मिल जाए, वो समझ गया आपकी बात, वो तो अपने हिसाब से बनवाने पे जैसे मर्जी बनवा लो, कोई कहियो के हाथ में पसीना आता है, अब मैं खुद उड़ाता हूँ ये सद्दी, अगर इसमें कोई कमी होगी तो मैं कभी यूज ही नहीं करूंगा, नहीं नहीं बात, तो जो चीज हम बेचते हैं आपसे पहले देखिए हम लोग उसको खुद ट्राई करते हैं,
ये बात भी बोली बात। सिराजुद्दीन भाई के मांझे की मैंने बात करी, सिराजुद्दीन भाई जब पहली बार अपना स्टॉक भेजा था तो मैंने उसको खुद उड़ाया, जब मुझे उस पर रिजल्ट मिले तब मैंने उनका मांझा मंगवा। ऐसे मतलब ये चीज खाली सिराजुद्दीन भाई के लिए नहीं है, किसी भी मेकर का मांझा मेरे पास आता तो पहले मैं खुद उसको यूज करता हूँ। बहुत तो भाइयों ये देख रहे हो सर्दियों में भी दिखाया, कानपुर की मिल जाएगी, लखनऊ की मिल जाएगी यहाँ पे, और यहाँ देखिए चरखे देखिए कितने बड़े बड़े चरखे लगा रखे हैं यहाँ पे। और चरखों का भी स्टॉक जो है सनी भाई वो खत्म हो गया, अब नया स्टॉक आने वाला। ये तो कंचे टाइप लग रहे हैं मुझे, याद है जो बनते क्या बोलते हैं, एकदम यूनिक एक चरखा देखिए ये है, एकदम यूनिक है। राइट, इसके बहुत सारे चरखे आए थे और सारे मेरे बिक गए। एक लास्ट चरखा डिस्प्ले के लिए मैंने लगा रखा, हालांकि ये भी बिका हुआ है, ये मेरे दोस्त ने मुझसे परचेस कर लिया, मैंने उसको बोल रखा था कि बाद में मिलना। ये देखिए और ये देखिए यहाँ पे बहुत अच्छी ये चरखे देखिए आप, एक चरखा वो देखिए सामने ऊपर लगा, चरखे की लेंथ देखिए पहले आप, बहुत बड़ा चरखा ये देखिए, वाकई में यार मजा आ गया। अच्छा एक चीज मैं आपको बताऊंगा, ये कोई तीन वो नहीं लगे हैं, तीन शीटें नहीं, ये एक ही शीट पे बना हुआ है ये। अच्छा तो इन उसको कट करके मैं डिजाइन दिया गया, इसको डिजाइन दिया गया, मतलब इतनी मोटी शीट थी जी जी, ये तकरीबन मान ली इतनी मोटी शीट है। मैं समझ गया आपको, मतलब डिजाइन बना बना के उसको, मतलब इतना उसको, ये अलग अलग ज्वाइंट नहीं है, एक ही सिंगल वो है ये बिल्कुल, मतलब सिंगल शीट के ऊपर। देखिए इधर से देखेंगे समझ में आएगा, ये देखिए अगर शीट पे ज्वाइंट होता वो अलग दिखता। देखिए यहाँ पे अल्टीमेट बहुत प्यारी चीज, ये जो चरखा है ये है 1100 रुपए का, और चीज क्वालिटी भी बड़ी अच्छी है, स्ट्रॉन्ग, इस पे आप खड़े हो जाइए कोई फर्क नहीं पड़ता। सबसे बड़ी बात है सदी दी लपेटी इसके ऊपर आराम, बिल्कुल बहुत ये चरखा बड़ा अच्छा लगा मुझे, बहुत प्यारा, ये भी उसी रेट का, ये सारे चरखे आपको 1100 रुपए का मिलेंगे, ये भी 1100 का, भी 1100। एक और चरखा बहुत अच्छा लगा वहाँ पे, मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे चलता हूँ, एक ये है ये देख रहे हैं, और एक इसकी थिकनेस देखिए, थिकनेस तो बहुत मोटी है इसकी, देखिए यार बहुत अल्टीमेट, और मुझे ये बड़ा प्यार लगा, देख रहे हैं यहाँ पे चरखा भी बहुत, वो कटोरी स्टाइल में जैसे कटोरी होती है, कटोरी स्टाइल में चलो। और सदियों के कलर बड़े कैपे लगा रखे हैं अब जी, मतलब एक से एक सदी कलर यहाँ पे मान गए। तो भाइयों एक एक छोटा सा वीडियो था हमारा शाविद भाई के साथ, दी ओनर ऑफ AKG, जहाँ भैया हमने पतंगिया अभी कवर नहीं करी है, लेकिन 80 प्लस मांझों के ब्रांड है यहाँ पे, कवर करते करते भैया मजा आ गया, एक से एक कारीगरों के पता चला, एक से एक इन्फॉर्मेशन मिली, और शाविद भाई ने बहुत खुल के बात, कारीगर 80 है, अगर एक एक कारीगर के ब्लॉक 10-10 जोड़ेंगे तो शायद वो 80 को आप मल्टीपल करेंगे 6 से 5 से 4 से 8 से, तो पता नहीं कहां तक निकल जाएंगे। मोर ओवर जो शायद मैंने खुल के बात करी, अभी मान के चलिए जैसे मैंने पहले बता रहा था कि 35% ब्लॉक है, मतलब मिसाल के तौर पर जैसे किसी एक कारीगर के मान लो 2 ब्लॉक है, अभी उसके 6 मेरे पास नहीं है, खत्म हो गए ऑर्डर पे लगे हुए, तो इस तरह से अगर ब्लॉक की बात करें तो ब्लॉक कितने 100 है वो मुझको खुद नहीं पता, राइट वो दिख रहा है यहाँ पे, और इसीलिए हमने सब देखो कुछ किसी को खोल के दिखाया, कहीं पे खाली इन्फॉर्मेशन यहाँ पे अदनान अली का लगा हुआ है, तो सब मिलेगा यहाँ पे, एक से एक ब्लॉक है यहाँ पे, हर चीज अवेलेबल है। अली के भी देखिए ब्लॉग लगे, ये इनका ये लगा इनका सूरमा, वो है ये सूरमा है, ये सूरमा लगा, ये कोलकाता चैंपियन का सुपर लच्छी आता है लगा हुआ है, और इनका 24 कैरेट भी आता है, देखिए 24 कैरेट भी, बस एक देखिए 24 कैरेट 6 पे पड़ा, ये देखिए जाते जाते भी देखिए हम कुछ ना कुछ मिल रहा है, 24 कैरेट ही छुपे पड़े अभी तक दिखाई नहीं था मैंने आपको। तो भाइयों ये एक वीडियो था, थोड़ा सा लंबा हुआ लेकिन सब कुछ कवर करना था आपके लिए, तो मजा आया शाविद भाई, धन्यवाद। बहुत सारे ब्लॉग अभी नहीं कवर हुए, मिसाल के तौर पे जैसे किसी एक मेकर का मैंने एक ब्लॉग दिखाया, उसका मतलब ये नहीं है कि उसका एक ब्लॉग मेरे पास, अगर उसके 10 ब्लॉग आते वो 10 ही अवेलेबल हैं, मिल जाते। कभी होता क्या है, शॉप है, आज मिसाल के तौर पे इदरीस अहमद लगा है, इदरीस अहमद का आज ब्लॉग मेरे पास है, कल शॉर्टेज में रहेगा, दूसरे मेकर का ब्लॉग आ गया, तो सब ऑर्डर पे चलते हैं, ऑर्डर पे चलते हैं, हाँ अल्टरनेट करके चला करता था मामला। थैंक यू सो मच शाविद भाई, टाइम दिया आपने, मजा आ गया, सोए हुए तो उठाया उसके लिए माफी चाहते हैं, लेकिन मजा आया, अगर ये कवर नहीं करते फिर कानपुर आया ना इनकम्प्लीट हो जाता हमारा आज, तो थैंक यू सो मच, थैंक यू सो दिल से सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।